अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्टॉमिक। इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करनी है उनमें से पहली चीज़ ये है कि स्टॉमिक को हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायलेटेड ऑर्गन क्यों कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, स्टॉमिक के पोर्शंस कितने होते हैं, स्टॉमिक के अंदर स्फिंक्टर्स कौन से हैं, उनका रोल क्या होता है, चर्निंग क्या है, काइम क्या होती है, और जो स्टॉमिक है वो प्रोटीन को सेमी डाइजेस्ट कैसे करता है या डाइजेशन में हेल्पफुल कैसे है, पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, गैस्ट्रिन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द स्टॉमिक। स्टॉमिक इज अ, पहली बात तो ये है कि इट इज़ अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लूँ तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कौन सा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको एक इसका पार्ट, एक हिस्सा, एक ऑर्गन ऐसा मिलने वाला है जो बहुत ही फैला हुआ होता है। अब वो जो डायलेटेड पार्ट है, उस डायलेटेड पार्ट को क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे स्टॉमिक का नाम दे देंगे। सो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि स्टॉमिक इज़ द डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो किस में हेल्पफुल होगा, जो डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और हमने डाइजेशन को क्या कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था कि डाइजेशन का मतलब जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, जो लार्ज न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ने को क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उनको, डाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ, अब लोकेशन क्या है स्टॉमिक की हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ पर ये मौजूद होता है। स्टॉमिक एक मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होगा जो मौजूद होगा डायाफ्रेम के नीचे इन द एब्डोमन रीजन। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिस वन इज अ थोरैक्स रीजन, आप ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है थोरैक्स रीजन। ये यहाँ पर आपके रिब्स आ गए, ठीक है, रिब्स के पेयर्स आ गए। अब आखिर वाली दो रिब्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो हमारी जो आखिर वाली दो रिब्स है ना, वो बिल्कुल डोम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे मस्जिद का गुंबद होता है ना, उस तरह से ना हमारी आखिर वाली दो पसलियाँ इस तरह से गुंबद लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस गुंबद लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाएगा डायाफ्रेम का। द डोम लाइक स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, डोम लाइक स्ट्रक्चर लास्ट टू जो रिब्स हैं इनको हम फ्री फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे क्या कहेंगे, डायाफ्रेम कहेंगे। ये हमारा हो गया थोरैक्स रीजन, ये पेट वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं एब्डोमन रीजन। तो ये थोरैक्स रीजन, ये एब्डोमन रीजन, दोनों के दरमियान में क्या चीज़ मौजूद है, आखिर वाली दो पसलियों ने एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसे क्या नाम दिया था, डायाफ्रेम का नाम दिया था। ठीक है, तो अब ये देखें क्या है यहाँ पर, ये एक मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होगा कुछ इस टाइप से, और ये कहाँ पर मौजूद होगा, डायाफ्रेम से नीचे, यानी कि आखिर वाली जो दो पसलियाँ हैं उनसे नीचे की तरफ मौजूद होगा। किस रीजन में है, एब्डोमन रीजन के अंदर मौजूद है, पेट वाले हिस्से में मौजूद है, डायाफ्रेम के नीचे मौजूद है, और बॉडी की लेफ्ट साइड पे मौजूद है, थोड़ा सा बॉडी की लेफ्ट साइड पे क्या होगा, मौजूद होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये अगर ये यहाँ पर मेरे दो पसलियाँ हैं, तो ये मेरा एब्डोमन रीजन है, ये डायाफ्रेम है, तो यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, लेफ्ट साइड पर क्या होगा, मेरा स्टॉमिक मुझे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जब इसके पोर्शन की बात करते हैं, स्टॉमिक के दो बड़े पोर्शन हैं, एक है कार्डियक पोर्शन, दूसरा है पाइलोरिक पोर्शन। चलिए अब पिछले लेक्चर्स की तरफ थोड़ा चलिए, वहाँ पर हमने ओरल कैविटी की बात की थी, खुराक को नवाले को मुंह में डाला, उसको मैस्टिकेट किया, बोलस में कन्वर्ट कर दिया। देन क्या हुआ, उस बोलस ने एसोफेगस से गुजरा था, फेरेंग से गुजरा था, उस दौरान आपका जो सॉफ्ट पैलेट था वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, चेंजेस आई। उसके बाद क्या हुआ, वो खुराक कहाँ पे पहुंच गई थी, एसोफेगस के अंदर पहुंच गई थी। ठीक है, बोलस कहाँ पे पहुंचा था, एसोफेगस के अंदर पहुंच गया था। अब एसोफेगस के बाद वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन का नाम क्या है, स्टॉमिक है। अब इस स्टॉमिक के एसोफेगस के बाद देखिए जो हिस्सा स्टार्ट होगा, एसोफेगस के बाद स्टॉमिक का जो पोर्शन स्टार्ट होगा, इस पोर्शन को हम नाम देंगे कार्डियक पोर्शन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, कार्डियक पोर्शन का नाम देंगे। और कार्डियक पोर्शन के बाद वाला जो पोर्शन स्टॉमिक में आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम नाम देंगे पाइलोरिक पोर्शन का नाम देंगे। तो कार्डियक पोर्शन किनके दरमियान में मौजूद है, द कार्डियक पोर्शन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एसोफेगस एंड, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कार्डियक पोर्शन इज प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस एंड पाइलोरिक पोर्शन, जैसे यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया। एक आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको जस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि कार्डियक पोर्शन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एसोफेगस। दो है, पहला है कार्डियक पोर्शन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एसोफेगस, बिलो द एसोफेगस,
पहले आप इसे ऐसा डिफाइन कर सकते हैं बिलो एसोफेगस के जरिए से। अगर ऐसा डिफाइन नहीं करना, डायग्राम को देखते जाएं, एक्सप्लेन करते जाएं। कार्डियक पोर्शन इज प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस एंड पाइलोरिक पोर्शन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज पाइलोरिक पोर्शन। अब पाइलोरिक पोर्शन को आपने कैसे डिफाइन करना है, आप इसको भी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन, आप कह देंगे जो पाइलोरिक पोर्शन है ये प्रेजेंट है कार्डियक पोर्शन के नीचे की जानिब, या फिर ऐसे नहीं करना, आप कहेंगे पाइलोरिक पोर्शन इज प्रेजेंट बिटवीन कार्डियक पोर्शन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टॉमिक जहां पे खत्म होगा, स्टॉमिक के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का, यानी कि यहां पर स्टॉमिक एंड हो रहा है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कार्डियक पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जो पोर्शन होगा स्टॉमिक का, उसे नाम देंगे पाइलोरिक पोर्शन का। अब इसके अलावा अगर बात करें स्टॉमिक के, स्टॉमिक के अंदर ना वाल्व होते हैं, जैसे हमारे घरों में वाल्व होता है, पानी वाला वाल्व होता है, ठीक है, पानी बंद करने के लिए, इसी तरह ना यहाँ पर भी वाल्व होते हैं। इसकी भी एक रीजन होती है, रीजंस भी देखते हैं और इसका फंक्शंस भी देखते हैं। अब फर्स्ट बात करते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इज जस्ट लाइक द वाल्व, द कार्डियक स्फिंक्टर एक ऐसा वाल्व होगा जो मौजूद होगा यहाँ पे, जहाँ से बोलस, यानी कि जो बोलस थी वो एसोफेगस से स्टॉमिक के अंदर इंटर हो रही थी, एसोफेगस और कार्डियक पोर्शन के दरमियान में यहाँ पर मसल्स का एक स्फिंक्टर मौजूद होगा, उसे हम नाम देंगे कार्डियक स्फिंक्टर का नाम देंगे। दस इसको डिफाइन कैसे करना है, कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द एसोफेगस एंड कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टॉमिक। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि खुराक जब स्टॉमिक के अंदर आ जाती है, जब बोलस एसोफेगस से कार्डियक पोर्शन यानी स्टॉमिक में आ रही है, उस वक्त ये स्फिंक्टर ओपन हो जाता है। जब खुराक अंदर इंटर हो जाएगी, ये स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज होगा, ताकि वो जो फूड है वो फूड दोबारा हमारे स्टॉमिक से एसोफेगस में ना जाए और एसोफेगस से वापस हमारे माउथ में ना चले जाए। यानी कि जब हम लेट जाते हैं खाना खाने के बाद, उस वक्त क्या कि अगर तो स्फिंक्टर नहीं होगा, अगर तो वाल नहीं होगा, तो हो सकता है देर में भी पॉसिबिलिटी कि जो फूड है आपकी वो स्टॉमिक से आपके एसोफेगस में आए, देन आपके ओरल कैविटी में आ जाए, देन माउथ में आ जाए, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद होता है। नेक्स्ट वन इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पर देखिए, पाइलोरिक पोर्शन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होती है, जो शोरबा स्ट्रक्चर होती है, शोरबा लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है खुराक का, वो कहाँ पर जाना है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, ठीक है। अब वो पाइलोरिक पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में ना यहाँ पे कई एक और मसल्स का जंक्शन मौजूद होता है, जिसे हम नाम देते हैं मसल्स का एक वाल्व होता है, जिसे हम कहाँ क्या नाम देते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। मसल वाल्व मौजूद होते हैं जिसे नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर देखिए कैसे डिफाइन करना है, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द पाइलोरिक पोर्शन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होगा, यानी कि वो जो शोरबा जो अब स्टॉमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, जब वो गुजर जाएगा, देन ये क्लोज हो जाएगा, ताकि वही जो फूड है, वो जो शोरबा लाइक फूड थे, वो वापस स्टॉमिक में ना आ सके, ठीक होगी बात। अब यहाँ पर बात आपने कर ली पोर्शंस की, स्फिंक्टर्स की, लोकेशन की, डेफिनेशन की, और ये आपको कुछ डायग्राम है सिंपल सी, ठीक है। पहले कौन सा पार्ट है, पहले आपका एसोफेगस आएगा, एसोफेगस के बाद कौन सा आ जाएगा, स्टॉमिक आएगा, स्टॉमिक में पहला कौन सा पार्ट आएगा, कार्डियक पोर्शन आएगा, उसके बाद आएगा पाइलोरिक पोर्शन, और उसके बाद वो स्टॉमिक एंड हो जाएगा और खुराक इसमें चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी। दो स्फिंक्टर आपने देखे, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड कार्डियक स्फिंक्टर। अब हम एंजाइम्स वर्किंग देखते हैं या खुराक के डाइजेशन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए जरा फोकस कीजिए। अगर खुराक जैसे ही जो फूड है ना, वो बोलस वो स्टॉमिक के अंदर जाता है, जैसे ही बोलस जो है वो एसोफेगस के रास्ते स्टॉमिक के अंदर जाता है, वहां पर क्या होगा कि जो स्टॉमिक होता है ना, स्टॉमिक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो HCl रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज कर देते हैं, और पेप्सिनोजिन क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब पेप्सिनोजिन क्या करता है, पेप्सिनोजिन खुराक के अंदर जो प्रोटीन होती है ना, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बिकॉज इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, ये पेप्सिनोजिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन ये काम उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, बिकॉज जो पेप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। तो पेप्सिनोजिन के साथ देखिए यहाँ पर HCl भी था, तो HCl पेप्सिनोजिन को क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, जब एक्टिवेट करेगा तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और पेप्सिनोजिन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिन होती है। देन क्या होगा,
देन ये पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगा, यानी कि उसको अमाइनो एसिड में चेंज करता चला जाएगा, यानी कि प्रोटीन को तोड़ता चला जाएगा। जब ऐसा प्रोसेस होगा, यानी कि जो खुराक आपने खाई है, अगर उस खुराक के अंदर प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये ज़रूरत के मुताबिक पेप्सिनोजिन हमारे स्टोमिक में रिलीज़ होता है। यानी कि अगर तो प्रोटीन्स होंगी, देन जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजिन है, वो क्या होता जाएगा, प्रोड्यूस होता जाएगा। अगर प्रोटीन्स नहीं होगी, देन पेप्सिनोजिन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, दो से तीन क्वेश्चन आ सकते हैं आपको जहन में। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई पेप्सिनोजिन हमारे स्टोमिक के वाल से रिलीज हो रहा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी है, हमारा स्टोमिक की जो वाल है ये भी प्रोटीन की बनी है, तो ये स्टोमिक की वाल को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन है ना, चलें पहला क्वेश्चन को देखते हैं फिर दूसरे को। अब पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे स्टोमिक की वाल के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उनके अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, और इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पेप्सिनोजिन होती है, और वो पेप्सिन की फॉर्म के अंदर नहीं होता, क्योंकि पेप्सिन की फॉर्म में होगा तो ही वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। हालांकि अगर मैं स्टोमिक की वाल के अंदर बात करता हूँ, तो स्टोमिक की वाल के अंदर आपको जो मिलने वाला है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो उसकी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मिलेगा, और इनएक्टिव फॉर्म उसकी कौन सी होती है, इनएक्टिव फॉर्म बेटा उसकी होती है पेप्सिनोजिन। दैट्स व्हाई वो अपने इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, और इनएक्टिव फॉर्म की वजह के अंदर होने की वजह से वो इस स्टोमिक की वाल को भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। चलें अब सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जब वो स्टोमिक के अंदर आके एक्टिवेट होता है, जब स्टोमिक के अंदर आता है पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलके एक्टिवेट होता है पेप्सिन की फॉर्म में, उस वक्त भी तो पॉसिबिलिटी है ना ये डाइजेस्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस वक्त देखिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने एक और चीज़ रिलीज की थी, डैट इज़ द म्यूकस। अब वो जो म्यूकस होता है ना, वो म्यूकस स्टोमिक के अंदर इस तरह से इंटरनल लाइनिंग्स बना देता है। ये जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ये असल में म्यूकस की इंटरनल लाइनिंग्स बन जाती हैं स्टोमिक के अंदर। ये जो इंटरनल लाइनिंग्स होती है ना स्टोमिक के अंदर, दीज इंटरनल लाइनिंग्स, ये इंटरनल लाइनिंग्स स्टोमिक उस स्टोमिक की वाल्व्स को, स्टोमिक की वाल के इर्द गिर्द ना म्यूकस की लाइनिंग बन जाएगी, जो उसको बचाएंगी, किसके इफेक्ट से बचाएंगी, पेप्सिन के इफेक्ट से बचा जाएंगी, और पेप्सिन के इफेक्ट को मिनिमाइज करते चली जाएंगे। ठीक है, तो पेप्सिन के इफेक्ट को कौन बचा रहा है, म्यूकस बचा रहा है। वो डाइजेस्ट क्यों नहीं कर रहा था वाल को, बिकॉज वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री के, हमारे जो स्टोमिक है वो उसको कैसे पता चलेगा कि खुराक के अंदर प्रोटीन्स है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे जरूरत के मुताबिक प्रोड्यूस होता रहेगा, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए अगर तो खुराक के अंदर प्रोटीन्स मौजूद है, अगर तो खुराक के अंदर, देखिए हमारे स्टोमिक के अंदर ना जो पेप्सिनोजिन होता है ये ऑलवेज मौजूद होता है, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर ऑलवेज क्या होता है, मौजूद होता है। अब अगर तो देखें, हमने खुराक खाई, खाना खाया, बोलस जैसे हमारे स्टोमिक में गया, बोलस जैसे हमारे स्टोमिक के अंदर गया, अब स्टोमिक के अंदर मैंने कहा थोड़ी सी अमाउंट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, पेप्सिनोजिन ऑलवेज क्या होता है, मौजूद होता है। अब जैसे वो स्टोमिक के अंदर जाएगा ना, अगर तो उस खुराक के अंदर हुई प्रोटीन मौजूद, अगर तो खुराक के अंदर हुई प्रोटीन मौजूद, देन क्या होगा, वो जो प्रोटीन है ना, अब प्रोटीन मौजूद हुई तो देन क्या होगा, आपको पता है कि मैंने कहा कि थोड़ी सी अमाउंट के अंदर उसके अंदर क्या पहले से मौजूद है, पेप्सिनोजिन मौजूद है, देन वो पेप्सिनोजिन अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर आएगा, और पेप्सिन के अंदर आने के बाद वो उस खुराक के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे उस दौरान क्या होगा, उनके टूटने को स्टोमिक के अंदर एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। दी स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स डिटेक्ट द ब्रेकेज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन, एंड आफ्टर दैट दी स्पेशल सेल्स रिलीज एंड एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज नोन एज अ गैस्ट्रिन एंजाइम। वो क्या रिलीज कर देंगे, वो गैस्ट्रिन एंजाइम रिलीज कर देंगे। अगर प्रोटीन हुई, उसकी बात हो रही है, प्रोटीन होगी तो पेप्सिनोजिन पहले हमेशा ही मौजूद रहता है थोड़ी सी अमाउंट के अंदर, अगर तो खुराक के अंदर प्रोटीन हुई तो वो बांड तोड़ेगा तो स्पेशल सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैस्ट्रिन एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। ये स्पेशल सेल भी स्टोमिक के अंदर ही होते हैं, गैस्ट्रिन एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। ये गैस्ट्रिन एंजाइम क्या करेगा, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को ना स्टिमुलेट कर देगा कि आप रिलीज करो, HCl भी रिलीज करो, पेप्सिनोजिन ज़्यादा रिलीज करो, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा है। ठीक है, तो देन वो ज़्यादा पेप्सिनोजन रिलीज प्रोड्यूस हो जाता है, इसी तरह से प्रोटीन क्या हो जाएगी,
डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्रोटीन एबसेंट होगी, प्रोटीन एबसेंट देखिए खुराक खाई मैंने, उस खुराक के अंदर प्रोटीन्स नहीं थी, प्रोटीन्स नहीं थी यानी कि पेप्सिनोजिन मेरे स्टॉमिक के अंदर पहले से मौजूद था, मैंने खुराक खाई उसके अंदर प्रोटीन नहीं थी, जब प्रोटीन नहीं थी तो वो पेप्सिनोजिन भी अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं आया, उसके उसके अंदर बांड भी नहीं तोड़े, जब उसने उसके अंदर बांड नहीं तोड़े, खुराक के अंदर प्रोटीन थी नहीं तो बांड कहाँ से तोड़ता, जब बांड नहीं टूटेंगे तो स्पेशल सेल गैस्ट्रिन एंजाइम भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट भी नहीं करेगा, जब स्टिमुलेट नहीं करेगा बेटा तो ये भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ तक ये एक प्रोसेस हो गया एंजाइम्स की वर्किंग का। अब हम बात करते हैं हमने स्टोमिक के बारे में कहा कि स्टोमिक एक ऑर्गन है, अगर ऑर्गन है तो बेटा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलके बनना चाहिए, तो इसके अंदर भी बिल्कुल टिश्यूज होते हैं, दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं ग्लैंडुलर और दूसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यूज। अब जो ग्लैंडुलर हैं वो तो ग्लैंड्स होते हैं, उन्होंने जैसा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अब मस्कुलर टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे खुराक स्टोमिक के अंदर आएगी ना, हमारा स्टोमिक इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, हमारा स्टोमिक क्या करेगा मूवमेंट स्टार्ट्स, और वो जो मूवमेंट स्टार्ट होगी ना उस मूवमेंट को क्या कहेंगे, उस मूवमेंट को नाम देंगे चर्निंग का नाम दे देंगे, चर्निंग इज हेल्पफुल हेल्पफुल इन फूड डाइजेशन। तो ये चर्निंग का प्रोसेस कौन कर रहा है, चर्निंग का प्रोसेस हमारे स्टोमिक के अंदर, हमारे स्टोमिक के अंदर जो मसल्स हैं वो स्टोमिक को मुसलसल घुमा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे चर्निंग कहेंगे। जब वो स्टोमिक को मुसलसल इस तरह से मूवमेंट करवाएंगे ना, तो उस दौरान क्या होगा कि उस दौरान ना हीट प्रोड्यूस होती है, दीज मस्कुलर टिश्यूज के मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, उनकी मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी ना चर्निंग के प्रोसेस के दौरान, दिस हीट इज यूज्ड फॉर द मेल्टिंग ऑफ लिपिड्स। जो लिपिड होगा ना खुराक के अंदर वो भी मेल्ट हो जाएगा, कब मेल्ट होगा, जब हमारे मस्कुलर टिश्यू जो कि प्रेजेंट है हमारे स्टोमिक के अंदर, ये वाले जो मस्कुलर टिश्यूज मैंने बनाए हैं ठीक है, ये क्या करेंगे मूवमेंट शो करेंगे, देन क्या होगा वो मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी तो लिपिड्स क्या हो जाएंगे मेल्ट हो जाएंगे। अब आखिर में लास्ट पे क्या होगा, जब ये तमाम एंजाइम्स ऐड हो गए खुराक के अंदर, जब ये मेल्ट हो गए लिपिड्स वगैरह, उसके बाद क्या होगा कि फाइनली आखिरकार आपके पास जो फूड है ना वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगी, सूप लाइक फॉर्म ऑफ फूड, जो खुराक है वो किस फॉर्म में आ गई, सूप लाइक फॉर्म में आ गई, उसको हम नाम दे देंगे काइम का नाम दे देंगे उसे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.